आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक नजर इन्हीं पांच राज्यों के चुनावी टाइम टेबल पर बहुत जल्दी से डाल लीजिए। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे, जबकि मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर कि बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। सभी पांच राज्यों में एक साथ 30 सितंबर को रिजल्ट आएंगे। अगली अहम खबर, पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जीत की दावेदारी तेज हो गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तारीखों के ऐलान के साथ बीजेपी की विदाई का उद्घोष हो गया। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, हर जगह कमल खिलेगा। इस बीच राहुल गांधी ने चुनावी वादा करते हुए कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना होगी। अमेरिका में सनातन की जयकार, 185 एकड़ में प्रभु का दरबार। खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन उससे पहले देखिए चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट। बीजेपी ने आज मध्य प्रदेश की 57, छत्तीसगढ़ की 64 और राजस्थान की 41 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए। एमपी के सीएम शिवराज चौहान को बुधनी से टिकट दिया गया है। राजस्थान में पार्टी ने 7 सांसदों को टिकट दिया है। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति और जातीय सर्वे पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने दावा किया है कि जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां जातीय जनगणना होगी, इसके बाद आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा ने केंद्र से सतलुज यमुना लिंक विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने केंद्र पर पंजाब को रेगिस्तान बनाने की साजिश का आरोप लगाया। राजा ने इस मुद्दे पर पंजाब में पहले की तरह खून खराबे की आशंका जताई।